आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, खुशखबरी आ गई है, सारी नोटिफिकेशन आ गई है। 14 पेजेज की नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर लेकर 8 से लेकर 14 तक सब कुछ डिले हो गया है। मतलब ड्यू डेट जो है हमारी जीएसटी की, वो भी एक्सटेंड हो गई है, इंटरेस्ट भी माफ हो गया है, GSTR 4 की डेट भी एक्सटेंड हो गई है। मतलब गवर्नमेंट जितना रिलैक्सेशन देना चाहती थी, सारा रिलैक्सेशन इन नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दिया है। और अगर आप ये सारी जानकारी चाहते हैं एक ही वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा मैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 8 से। बड़ी लंबी लंबी नोटिफिकेशन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। पहली नोटिफिकेशन नंबर 8 में क्या बोला है कि भाई हम तुम्हारा इंटरेस्ट माफ कर रहे हैं, जो सेक्शन 50 में हम तुमसे इंटरेस्ट लेते थे हम उसे माफ कर रहे हैं। माफ करने का तरीका क्या रखा है जी, मार्च और अप्रैल का। अगर हम बात करें मार्च और अप्रैल का इंटरेस्ट इन्होंने माफ किया है। कैसे माफ किया, इस बात को ध्यान रखना कि भाई जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनसे क्या बोला है, वैसे तो हम तुमसे 18% इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब सिर्फ 9% लेंगे। कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। जिन लोगों की टर्नओवर अप टू 5 करोड़ से, उनके लिए क्या बोला है कि भाई शुरू के 15 दिनों के लिए तुमसे हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और अगले 15 दिनों के लिए सिर्फ कितने परसेंट लेंगे? 9% लेंगे। तो यहां पर इन्होंने 1 महीने का रिलैक्सेशन दिया है अप टू 5 करोड़ में। तुम लोगों को पता है कि यहां पर दो तरह के लोग होते हैं, एक QRMP वाले लोग जो अपने रिटर्न भरते हैं फर्स्ट प्रोविजो के हिसाब से, और एक नॉर्मल। ये रिलैक्सेशन दोनों लोगों के लिए दिया है। और यहां पर ध्यान रखो, कंपोजिशन वालों के लिए भी रिलैक्सेशन दिया है। जो लोग अपना CMP 08 भरते हैं ना भैया, उनके लिए भी बोला है, आपके लिए भी हमने इंटरेस्ट में छूट दी है। तो ये बात आपको समझनी है, 2 महीने के लिए यहां पर इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है इंटरेस्ट के लिए। सर पूरा डिटेल में बताएं भैया, डिटेल के लिए ना आप हमारी मैगजीन सब्सक्राइब कर लेना। अभी हमारा जो एडिशन आने वाला है 3-4 दिनों के अंदर, उस एडिशन में हम सारी ये डिटेल आपको बताएंगे कि भैया इन नोटिफिकेशन से आप पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। सर ये नोटिफिकेशन तो 1 मई को आई है, तो इसी एडिशन में बता दोगे? हाँ भैया, इसी एडिशन में बता देंगे, जिससे कि आप सब लोगों को पता लग जाए क्या क्या रिलैक्स मिला है। अगर किसी ने अभी तक हमारी मैगजीन नहीं ली है, तो इन व्हाट्सएप नंबर पे बात करके फटाफट मैगजीन ले लो, क्योंकि हमारी मैगजीन के अंदर हम ये सारी नोटिफिकेशन आपको बताने वाले हैं। चलिए आगे की बात करते हैं, अगली नोटिफिकेशन क्या है। अगली नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला है कोस किस चीज के लिए, इन्होंने लेट फीस को माफ करा है। सेक्शन 47 में जो लेट फीस लगती थी उसे माफ किया है। सर हमने तो लेट फीस पे कर दी, अब क्या होगा? भैया अभी कहां पे करी है, मार्च की लेट फीस जो है, जो आपने रिटर्न अभी अप्रैल में फाइल करी है, उसकी लेट फीस तो मई में लगती ना, तो वो लेट फीस अब लगकर नहीं आएगी। तो सर क्या माफी करी है इन्होंने, 15 दिन की, ड्यू डेट से लेकर 15 दिन की माफ करिए, अप्रैल की रिटर्न के लिए भी और मार्च के लिए भी। और जिन लोगों की जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है, अप टू ₹5 करोड़ है, उन लोगों के लिए इन्होंने कितने दिन की करी है? 30 दिन की करी है। तो यहां पर ध्यान रखना, जिन लोगों की रिटर्न QRMP में जा रही है उन्हें भी रिलैक्सेशन मिल गया, जिन लोगों की रिटर्न नॉर्मल में जा रही है उन्हें भी मिल गया, जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उन्हें भी मिल गया। उन्हें 15 दिन का मिला और इन्हें 30 दिन का मिला। तो यहां पर टेंशन वाली बात नहीं है, अब क्लाइंट आपसे नहीं लड़ेगा। आ जाओ जी अगली नोटिफिकेशन किस चीज की आई है भैया, जो GSTR 4 की जो ड्यू डेट थी ना, क्या थी GSTR 4 की ड्यू डेट? सर उसकी ड्यू डेट थी 30 अप्रैल, ठीक है। तो यहां ध्यान रखो, जो GSTR 4 की जो ड्यू डेट थी 30 अप्रैल, उसे बढ़ाकर कर दिया गया 31 मई। क्या कर दिया गया? 31 मई। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, GSTR 4 पर कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। चलिए जी अगली नोटिफिकेशन आ जाते हैं। अगली नोटिफिकेशन सर किस चीज की? ITC 04 की। ITC 04 किसके लिए होता है? जॉब वर्क पे अगर हम माल भेजते हैं मैन्युफैक्चरर, तो उसे ITC 04 भरना पड़ता है। तो उसके लिए भी डेट बढ़ाकर क्या कर दी गई है? 31 मई कर दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हो उन्हें भी रिलैक्सेशन कर दिया गया है। आ जाओ भैया अगली नोटिफिकेशन सर GSTR 1 की ड्यू डेट। हाँ भैया बढ़ा तो दी GSTR 1 की ड्यू डेट भी। अब यहां पर देखो GSTR 1 की ड्यू डेट के लिए क्या बोला है, प्रोवाइडेड डेट टाइम लिमिट ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेड रूल पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश। तो यहां पे क्या बोला, 26 तारीख कर दिया। कितनी तारीख कर दी है? 26 तारीख कर दिया, अप्रैल की। यहां पर ध्यान रखना,
अप्रैल की जो GSTR 1 है, जो आप लोगों को 11 मई तक जानी थी, उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 26 तारीख कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मार्च के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है, सिर्फ अप्रैल के लिए मिला, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर क्या QRMP स्कीम वालों के लिए? हाँ भैया, QRMP स्कीम वालों की भी डेट बढ़ा दी गई है। क्या बोला, QRMP स्कीम वालों के लिए, इस बात को ध्यान से समझो, पहले प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंडीशन शैल अप्लाई कम्युलेटिव, ये यहां पर समझना, रूल 36(4) की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रूल 36(4). आपको बड़ी दिक्कत होती थी ना कि सर ITC को कैसे करें, रूल 36(4) को फॉलो करें कैसे, तो यहां पर देखो अप्रैल और मई के लिए इन्होंने ये बोला है 36(4) के लिए। आप इस बात को ध्यान समझना कि 36(4) को हम खत्म नहीं कर रहे, जैसे पिछले साल हमने करा था ना रूल 36(4) को कि इकट्ठा कर दिया था 6 महीनों के लिए, ऐसे ही रूल 36(4) अप्रैल और मई का हम इकट्ठा देखेंगे मई की 3B में। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो अप्रैल की 3B है उसमें रूल 36(4) का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और रूल 36(4) का इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल और मई की इकट्ठी 3B में करके ये लोग देखेंगे। इसकी सारी डिटेल मैगजीन में देंगे भैया हम, और इस बार जो है ना प्रिंटेड मैगजीन आने के चांस कम है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपको जरूर आएगी सारी नोटिफिकेशन की, तो आप यहाँ पर हमारी मैगजीन सब्सक्राइब जरूर करा ले। हाँ जी, और इसके अलावा क्या कराया सर इन्होंने? IFF की भी डेट को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। क्या बोला? IFF के लिए प्रोवाइडेड डेट रजिस्टर्ड पर्सन में फर्निश सच डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यूजिंग IF फर्स्ट डे ऑफ मई टू 28 मई। तो अप्रैल की जो है, ठीक है ना, अप्रैल की जो डेट IFF की 13 मई तक होती थी, उसे बढ़ाकर इन्होंने 28 मई कर दिया है। तो यहां पर भी इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है। सर और क्या रिलैक्सेशन दिया है और बता दो सर। और इसमें इन्होंने क्या बोला है, अगर किसी की अपील की कोई डेट, अगर किसी के नोटिस के रिप्लाई की कोई डेट अगर आ रही है, किस पीरियड में आ रही है? फॉर द पीरियड 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक अगर कोई डेट आ रही है, तो उसकी डेट को एक्सटेंड करके इन्होंने 31 मई कर दिया है। तो अगर किसी को नोटिस का रिप्लाई देना था, किसी को समन का रिप्लाई देना था, ठीक है, किसी को अपील फाइल करनी थी, तो सबका टाइम पीरियड इन्होंने बढ़ा दिया है। ये नोटिफिकेशन कुछ सिमिलर नोटिफिकेशन नंबर 35 है जो लास्ट ईयर आई थी, तो हमने उस टाइम पर भी अपनी मैगजीन में दिया था, अब भी आपको बता रहे हैं। लेकिन ये वाला जो एक्सटेंशन है हर किसी पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या सर एक्सेप्शन है? भैया ये वाले एक्सेप्शन है, क्योंकि भैया हमने तुम्हारी रिटर्न की डेट तो पहले ही बढ़ा दी, अब पता चले जो रिटर्न की ड्यू डेट है जो हमने आपको बढ़ा दी है वहां पर, आप यहां से भी उसका बेनिफिट ले लो, आप ई वे बिल में भी उसका बेनिफिट ले लो। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना, वो सारा बेनिफिट इन सबको छोड़कर तो ही ये डेट एक्सटेंड हुई है। इस चीज को आपको समझना है कि यहां पर मेजरली जो होता है, नोटिस की डेट बढ़ाते हैं, अपील की डेट बढ़ाते हैं, समन की डेट बढ़ाते हैं, उसका ये पर्पज होता है, क्योंकि ये पहले ही रिटर्न की डेट ऊपर वाली नोटिफिकेशन में बढ़ा चुके हैं, सेक्शन 37 में, सेक्शन 50 में इंटरेस्ट की डेट बढ़ा चुके हैं। यहाँ ये वाले जो प्रोविजन है पेनल्टी पे नहीं लगेंगे, पेनल्टी तो जो देनी है वो आपको देनी ही है। क्लियर हो गई ये वाली नोटिफिकेशन नंबर 14? हाँ सर, ये भी हमें क्लियर हो गई सर। उसके बाद भैया जो नोटिफिकेशन आई है वो IGST में है, जैसे CGST में आई है वैसे IGST में आई है, उसके बाद की नोटिफिकेशन UTGST में। तो मेरे हिसाब से ये आपको कंप्लीट सारी नोटिफिकेशन की जानकारी हो गई होगी, और आपका अगर कुछ भी डाउट होगा तो हम आज शाम को कोशिश करेंगे 7:30 बजे लाइव आने की। तो आज हमारा वेबिनार भी है बैलेंस शीट के ऊपर, वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा है अभी ज्वाइन कर ले, और मैगजीन के अंदर ये सारी डिटेल देंगे, तो इसलिए मैगजीन 1-2 दिन लेट हो सकती है, टेंशन मत लेना, फिजिकल मैगजीन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी इस बार, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन है, प्रिंटिंग नहीं हो पाएगी, कोरियर नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने सारे दोस्तों को इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि सब लोग इन नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर नोटिफिकेशन में कोई कन्फ्यूजन है या कुछ गलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता था आप सब लोगों को पहले से पहले इसकी जानकारी दूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।